नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया के लाज थाना के अंतर्गत आने वाले कुलैत ग्राम का किसान दर्शन पुत्र लक्ष्मण जाट अपने खेत पर पानी दे रहा था, तभी उसे करंट लगा और मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना लाज थाना प्रभारी को दी गई तो लाज थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने एक कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर वेद सिंह, प्रधान आरक्षक हाकिम सिंह परिहार एवं आरक्षक सिद्धयाल को मृतक के पोस्टमार्टम कराने भेजा। पोस्टमार्टम कराने गए स्टाफ आरक्षक ने मदिरा का सेवन कर लिया और मौके से नदा रद्द हो गए। सूचना मिलने पर दो घंटे बाद थाना प्रभारी भास्कर शर्मा मौके पर पहुंचे और सबका पोस्टमार्टम कराया। उक्त स्टाफ के द्वारा इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वीडियो में आरक्षक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था। आरक्षक ने शराब पीकर मृतक के परिजनों से भी मुँह बात किया। इस मामले को लेकर पुलिस उच्च अधिकारियों से मीडिया ने चर्चा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने आरक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। देखते हैं पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर। कराया जाए आपका हिसाब से तो ड्यूटी पे है वो? आप तुम बताओ। मैं ड्यूटी पर नहीं। ड्यूटी पर नहीं है आदिवान जी? ये ड्यूटी पर नहीं है जी? एक दिख दारा ड्रिंक पिए और बाकी बाद में ये कह रहा कि हम नहीं है। आप बताओ इंदर के हो? हाँ, मी इंदर के हैं। देखिए मैं गलत थाना कल ग्राम कुलैत में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसके पीएम के लिए थाना प्रभारी के द्वारा प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को भेजा गया था, जहां पर आरक्षक के द्वारा शराब का सेवन किया गया था। जिसकी सूचना जैसे ही थाना प्रभारी को प्राप्त हुई तो स्व मौके पहुँचे और उसके प्रति जो है हम लोगों को सूचित किया गया। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और उसको दंडित किया गया है।